The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक नॉलेजेस आपको यहां मिलेंगे। आज हम बात करेंगे ट्रांस फैट के बारे में। चर्बी जो होती है, फैट आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आप जितने मोटे हो जाएंगे उतना ज्यादा आपके कई सारे बीमारियों के रिस्क होंगे, हमने हमेशा से सुना है। लेकिन चर्बी फैट में सबसे बुरा जो फैट माना जाता है वो है ट्रांस फैट। सो हम समझेंगे ट्रांस फैट क्या होता है, कौन से इसके सोर्स हैं और इससे हम कैसे बचें, और इसे लिमिटेड में अगर खाना चाहें कितना खाएं, क्योंकि यही ट्रांस फैट जो होता है सबसे ज्यादा टेस्टी भी होता है। तो आज बात करेंगे ट्रांस फैट के बारे में। सो पहले समझ लेते हैं कि देयर आर सम टाइप्स ऑफ फैट्स। डाइटरी फैट्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में डिवाइडेड है, इसको समझ लेते हैं। देखो, सैचुरेटेड फैट का मतलब है जो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसमें जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर जैसे घी हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं। और अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ज्यादातर जो ऑयल्स या आपको फैट के सोर्सेस मिलेंगे उसमें मिक्स्ड होते हैं, कुछ मात्रा में सैचुरेटेड, कुछ मात्रा में अनसैचुरेटेड, इसलिए मिक्स कंसिस्टेंसी पाई जाती है। सो सैचुरेटेड फैट जो होते हैं उनके बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप उसे ले लेते हैं सो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ा सकता है। ऑल्दो डाइट्री फैट्स का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में केवल 20% का हाथ है, 80% कोलेस्ट्रॉल आपका लिवर खुद बनाता है, ये हमने आपको पहले कई वीडियोस में समझाया। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मात्रा में खाने से आपके हार्ट के रिस्क, आपके डायबिटीज के रिस्क, आपके मोटापे के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो बहुत ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट नहीं खाना, लिमिटेड खा सकते हैं। सो उसके सोर्स क्या है, जो बीफ, लैम, पोर्क या चिकन के प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा है, उसमें लीन पार्ट्स आते हैं, उसको लीन प्रोटीन वाले वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। उसके अलावा जो क्रीम है, दूध की क्रीम, चीज, बटर, पाम ऑयल्स, ऐसे चीजों में आपको सैचुरेटेड फैट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो इनको कम से कम खाना है। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है ये भी डिवाइडेड है मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट में, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड है या बहुत सारे डबल बॉन्ड्स हैं उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया है। कंपैरेटिवली ये थोड़े ज्यादा मात्रा में आप खा सकते हैं, थोड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी बहुत ज्यादा खाएं, इसकी भी लिमिटेशन है। सो ये कौन से आते हैं, पीनट ऑयल, नट सीड, फैटी फिशेस, सोयाबीन, इनमें अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है, ऐसा नहीं सैचुरेटेड है ही नहीं, उसमें सैचुरेटेड भी होते हैं। सो इसको हमने समझ लेना है। अब बात आती है कि अगर हमें फैट खाना ही है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें 20-30% हमारे डाइट का जो कैलोरीज हैं वो फैट से आनी चाहिए, तो हमें हेल्दी सोर्सेस चुनने हैं, अनहेल्दी नहीं। अनहेल्दी में क्या आता है, जो आइसक्रीम, आइसिंग, शुगरी फूड, फ्राइड फूड, पैकेज्ड फूड, चिप्स, कुकीज, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब अनहेल्दी में आता है। हेल्दी में क्या आएगा, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ऑलिव ऑयल, देसी घी, अनस्वीटेंड होल या लो फैट योगर्ट, हमें लो फैट योगर्ट पे ज्यादा देना है, होल योगर्ट पे मलाई ज्यादा आ जाती है। कोकोनट या होल एग्स ले सकते हैं, सट नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, और नट ऑयल या प्लांट बेस्ड बटर्स भी इससे बेटर है, ठीक है, बट अल्टीमेटली क्वांटिटी शुड बी लिमिटेड। अब बात करते हैं ट्रांस फैट क्या है, ये कौन सी चीज है। जो ट्रांस फैट्स होते हैं ये एक तरीके के अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जी हाँ, इसमें कुछ नेचुरली भी मौजूद होते हैं आपके आपके डाइट में, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में या मीट में, इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट को आपने लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। लेकिन माइल्ड नहीं कह रहे, मॉडरेट इनटेक ऑफ दीज आर नॉट हार्मफुल। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट सबसे ज्यादा खराब है, ये हजार्डस होते हैं आपके हेल्थ के लिए, ये तब बनते हैं इसके जो भी केमिकली ट्रीटेड फूड होता है, बहुत ही हाई आंच में, बहुत तेज आंच में बना हुआ फूड होता है, उनमें आर्टिफिशियली ट्रांस फैट्स बनते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, ये कि भी ज्यादा दिनों तक टिके, उसके हिसाब में उस टाइप के फूड में आर्टिफिशियल ट्रांस फैट ज्यादा होते हैं। तो इसको समझते हैं क्या हजार्ड्स हैं, क्या प्रॉब्लम है। देखिए, ट्रांस फैट्स का जो रिस्क एसोसिएटेड है, एक तो डायबिटीज के साथ, मोटापे के साथ, और बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ाने का, इन्फ्लामेशन बढ़ा देगा, मोटापा बढ़ा देगा, तो अल्टीमेटली हार्ट डिजीज का रिस्क आपका बढ़ जाता है।
कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ये बढ़ाता है मोटापा बढ़ाने के साथ साथ। सो ट्रांस फैट खराब है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क कैसे कैसे, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, गुड कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा और स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा देगा। वेट गेन होता है, डायबिटीज होता है अगर आप बहुत ज्यादा ट्रांस फैट्स खाएं, और उसी के साथ में अगर आपने ज्यादा खा लिया तो हार्ट रिस्क बढ़ जाएगा। सो ये सब ध्यान रखें। क्या सोर्सेस होते हैं, कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा, सबसे जरूरी सोर्स जो आप बहुत आसानी से खा लेते हैं वो होते हैं जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो केक्स हैं, पाइज हैं, डोनट्स हैं, कोई भी चीज जो फ्राई होती है, जो बैटर्ड होती है, उनके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में ट्रांसफैट होता है। और घर में आप फिर भी कर लो, बाहर वाला जो फ्राइड फूड होता है वो एक ही तेल को बार बार यूज कर करके समोसे कचौरी तले जा रहे हैं आप खा लेते हैं, केक्स में बहुत अच्छी क्वालिटी के बटर्स यूज नहीं होते, बहुत अच्छे क्वालिटी की चीजें केक्स में भी बहुत अच्छे मात्रा में प्रोसेस फूड में आपके ट्रांसफैट आपको मिल जाएगा। और ये पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, ये एक दूसरा नाम है ट्रांसफैट का जो आपको समझना है। तो ये खाने जो आप खाते हैं फास्ट फूड जंक फूड उसके अंदर बहुत होता है। तो इसको आपने ना के बराबर खाना है, लिमिटेड करना है ना के बराबर। सो कितना खा सकते हैं राइट, पहली बात तो खाना चाहते हैं, सब खाना चाहते हैं। सो बेसिकली आपको ट्रांसफैट की आवश्यकता नहीं है। सो जितना कम खाएंगे उतना अच्छा। गाइडलाइंस हमें ये बताती हैं कि आपने पूरी मात्रा में 25-30% कैलोरीज अपनी फैट से ले सकते हैं, यानी आप जितनी भी कैलोरीज ले रहे हैं, 2000 कैलोरीज अगर आप ले रहे हैं पूरे दिन में, तो उससे 25% यानी 500 कैलोरीज आप फैट से ले सकते हैं। तो 500 कैलोरीज फैट से होनी चाहिए, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 10% कैलोरीज सैचुरेटेड फैट से होनी चाहिए, केवल 10%, यानी कि केवल 200 कैलोरीज आपकी सैचुरेटेड फैट से हो सकती है, और ट्रांस फैट से केवल 1% से भी कम कैलोरीज आपने लेनी है। सो 1% यानी 20 कैलोरी से भी कम आपने ट्रांस फैट लेना है। 20 कैलोरीज मतलब अगर फैट की बात करें तो 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है, कहने के 2 ग्राम से भी कम आप खा सकते हैं। ट्रांस फैट की लिमिट कितनी है, 1-2 ग्राम से भी कम, बहुत ही कम ट्रांस फैट आप खा सकते हैं, याद रखें। तो हमेशा क्या करना है, कोई भी चीज अगर आप खरीदते हैं तो उसके लेबल को अच्छे से पढ़िए, उसके लेबल में कहीं ये तो नहीं लिखा है कि पार्शियली हाइड्रोजनेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, प्रोसेस फूड है क्या वो, क्या वो उसकी शेल्फ लाइफ 6-6 महीने की है, 12-12 महीने की है, चाहे वो किसी भी प्रकार का फूड प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई फ्रूट जूस हो, चाहे वो कोई तला हुआ फ्रूट हो, कोई बेकरी का प्रोडक्ट हो, अगर उस प्रोसेस्ड फूड है तो उसमें ट्रांसफैट होने के चांसेस हैं। सो प्लस आप देखो कि इस प्रकार की कितनी चीजें आप खा रहे हो, कहीं सुबह दोपहर शाम रात केवल यही प्रोसेस्ड फूड ही तो नहीं खाते जा रहे, सो फिर आप कुछ महीनों में सालों में बहुत पछताएंगे। सो इस बात को ध्यान रखें। सो ट्रांसफैट जो है उसको पहचानना सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबल पढ़ना सीखिए और ट्रैक करना सीखिए। सो टोटल आप फैट की एक चेक देखो, जो भी आप फड़ते हैं टोटल फैट में एक सर्विंग में कितना है वो आप देखिए कि मैं इस ये जो खाना खा रहा हूं इसमें कितना फैट हो सकता है, वो आप हमारे साइंस ऑफ न्यूट्रिशन वाले वीडियो को देखोगे, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन, तो आइडिया आ जाएगा। प्लस लेबल पढ़िए, कई जगहों पर लिखा होता है 0 ट्रांस फैट, लेकिन उसमें भी याद रखिए गवर्नमेंट ये अलाउ करती है कि अगर एक सर्विंग साइज में आपके अगर 0.5% से कम ट्रांसफैट है तो आप उसे 0 ट्रांसफैट लिख सकते हो। सो अगर किसी की सर्विंग मान लीजिए 50 ग्राम की है, उस 50 ग्राम में 5 ग्राम ट्रांसफैट है, तो एक बार खाना खाने में आप 5 ग्राम ट्रांसफैट खा लेते हो, लेकिन वो भाई साहब क्या लिखेगा, वो लिख देगा कि सर्विंग साइज ओनली 5 ग्राम, तो 5 ग्राम ही खाओ वो कहेगा, थोड़ा सा खाओ, पैकेट बनाएगा 50 ग्राम का 100 ग्राम का, और 5 ग्राम में कितनी होगी 0.5 ग्राम, तो वो लिख देगा 0 ट्रांसफैट, लेकिन जो आप खा रहे हो उसमें कितना निकला, 5 ग्राम ट्रांसफैट आ गया आपके अंदर। तो इस तरह से कंपनीज आपको उल्लू बना सकती हैं कि सर्विंग साइज छोटा लिख देते हैं और ट्रांसफैट 0 लिख देते हैं, बट होता है उसमें भी ट्रांसफैट। सो हमें लगता है हम 0 ट्रांसफैट वाली चीजें खा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। सो टेक्निकली कायदे से तो रेस्टोरेंट्स को भी ट्रांस फैट की इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर भाई साहब इतना कहां कोई होता है। सो आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज तली हो, कोई भी चीज बेकरी में बेक्ड हो, हाई टेम्परेचर पे कुक्ड हो, उसमें ट्रांस फैट होता है, तो उसी को आपने अपने डाइट में कम रखना है। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक और शेयर का बटन दबाएं, ये बेल का आइकन दबाएं, ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे, और इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।
हमसे बात करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कंसल्टेशन कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। सो कृपया सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ऐसे वीडियोस, और जो टॉपिक आप चाहते हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए कि ये टॉपिक, ज़्यादा से लोग अगर उसी टॉपिक को रिक्वेस्ट करेंगे तो उसे हम जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।